आज हम लोग बनाएंगे आलू के पराठे। ये जो आलू के पराठे है ना, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाली है आज। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम लोग इसमें काफी चीजें डाले हैं, जैसे धनिया डाले हैं, कस्तूरी मेथी डाले हैं, इसमें ही हम लोग अजवाइन डाले हैं और चिली फ्लेक्स डाले हैं, जिससे कि इसका जो टेस्ट है ना वो दुगुना बढ़ जाती है। तो चलिए बनाते हैं इंटरेस्टिंग आलू के पराठे। नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मजगा है। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार रेसिपी। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक बड़ा प्लेट लिए हैं। देखिए, इस तरह से बड़ा प्लेट लिए हैं। बड़े प्लेट में 2 छोटे प्लेट के करीब हम लोग आटा डाले हैं। ये मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए 2 प्लेट आटा ली हूँ। आप अगर 1 से 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो कम आटा लीजिए। इसमें ही हम लोग ये चिली फ्लेक्स डाले हैं। ये लाल खड़े मिर्च को ना मैंने अच्छी तरह से दरदरा कूट ली हूँ और ये हमारे जो चिली फ्लेक्स है वो बन गई है। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो चिली फ्लेक्स को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बजाय बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, उनसे भी इसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। उसके बाद में इसमें ही बारीक कटी हुई हरी धनिया डालें। इसमें ही ये अजवाइन है, अजवाइन को ना हल्का सा क्रश करके डालें। देखिए, इस तरह से हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालने से क्या होता है, इसका जो टेस्ट है ना, उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से उभर के आती है। तो इस तरह से अजवाइन को डालें। उसके बाद में इसमें ही ये कस्तूरी मेथी है, कस्तूरी मेथी डालें। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू और कस्तूरी मेथी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही गजब की है। आप कभी भी आलू की सब्जी बना रहे हैं ना, उसमें कस्तूरी मेथी जरूर डालें। इससे ना सब्जी का जो टेस्ट है ना वो दुगुना बढ़ जाती है। उसके बाद में इसमें ही स्वादानुसार नमक डालें। और ये हम लोग आलू लिए हैं, बॉईल किया हुआ आलू है ये। कम से कम 8 से 9 मैं ये बॉईल किया हुआ छोटे आलू ली हूँ, तो ये ले और इन्हें भी अच्छी तरह से मैश करके डालना है। देखिए, इस तरह से डाल दे। तो इस तरह से मैंने सभी चीजें को डाल दी हूँ। डालने के बाद में क्या करना है, इन्हें सभी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए, इस तरह से मिक्स करना है। हमने ये जो आलू और बाकी की जो चीजें है ना उसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद में क्या करना है, इसमें ही थोड़े थोड़े करके पानी डालें और डो गूंथ ले। जैसे कि हम लोग रोटी बनाने के लिए डो मतलब कि आटा लगाते हैं ना, डो गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ये भी जो डो है ना उन्हें गूंथ ले। हमारी जो डो है वो तैयार हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो डो है ना इसे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ढक कर रखना है। 10 से 15 मिनट हो गया है, हमारी जो डो है वो अच्छी तरह से रेस्ट हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, इनको फिर से अच्छी तरह से मसल लेना है। देखिए, इस तरह से मसलना है। मसलना बहुत जरूरी है, तभी आपकी जो रोटी है ना वो अच्छी, मतलब कि पराठे जो है ना वो अच्छे बनेंगे। तो हम लोग इन्हें भी अच्छी तरह से मसल लिए हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारी जो डो है वो तैयार हुई है। उसके बाद में क्या करना है, इसमें से ही नींबू के आकार के आटा ले, मतलब कि लोई ले, आटा ले, उसकी लोई बना ले। देखिए, इस तरह से मैंने लोई जो है ना वो तैयार कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, ये लोई को ना थोड़ा सा आटे में टैप करना है और इनकी रोटी बेल लेना है। जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से रोटी बेलना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने रोटी जो है ना वो बेल ली हूँ। ये देखिए, हमारी जो रोटी है वो बेलकर हो गया है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इनको सेकेंगे। सेकने के लिए मैंने तवा को जो ना पहले से ही गर्म करने के लिए रख दी थी। तवा हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। देखिए, आप देख सकते हैं तवा हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। उसके बाद में क्या करना है, जो रोटी हम लोग बेले है ना, तो वो रोटी को तवा में डाले, देखिए इस तरह से, और कम से कम 1 मिनट इन्हें अच्छी तरह से पकने दे। उसके बाद में इन्हें पलट ले, देखिए इस तरह से सरोते की सहायता से पलटे। पलटने के बाद में फिर से 2 मिनट इन्हें अच्छी तरह से पका लेना है। 2 मिनट हो गया है, फिर से इन्हें क्या करें, पलट ले। और पलटने के बाद में क्या करना है, इसमें तेल डालना है। आप चाहे तो बिना तेल के भी ये पराठे जो है ना वो बना सकते हैं, और आप चाहे तो घी डाल के भी ये पराठे को बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं फिलहाल तेल डाल के बना रही हूँ। तेल डालें और इन्हें उल्टा पलटा कर अच्छी तरह से सेक ले। सरोते की सहायता से इन्हें पलटाते जाए और सेके। अगर आप हाथ से सेकोगे तो ये आपके हाथ जो है ना वो जलने लगेंगे। इसलिए क्या करें, आप इस तरह से सरोते की सहायता से अच्छी तरह से उल्टा पलटा कर इन्हें सेक ले। तो हमारे जो पराठा है, देखिए कितनी अच्छी तरह से सिक्की है। इसका कलर ही आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कितना डिलीशियस होगा। तो हमारे जो पराठे हैं वो बन गए हैं। उसके बाद में क्या करना है, बाकी के जो पराठे हैं ना हम लोग इसी तरह से बना लेंगे। हम पहले 1 मिनट इन्हें अच्छी तरह से सेक लेंगे, उसके बाद में पलटा लेंगे, फिर बाद में तेल डालेंगे और ये देखिए इस तरह से सरोते की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से प्रेस करते हुए पका लेंगे। तो हमारे जो पराठा है, दूसरी पराठे भी बन गई है। देखिए, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारे जो पराठा है वो बन गई है। इसी तरह से बाकी के जो पराठे है ना उन्हें भी बना ले। ये देखिए, हमारे जो पराठे है ना सभी बन गए हैं। उसके बाद में क्या करना है, इन्हें आप खाने के लिए गर्मा गर्म ही सर्व करें। आप सब्जी के साथ में सर्व करें, या फिर अचार के साथ में, या सॉस के साथ में, या चटनी के साथ में इन्हें खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पराठे बनाए, खाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अपना कीमती वक्त निकालकर मेरी वीडियो को देखिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।